भोपाल में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को ऐप के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो के प्रभारी मौजूद रहे। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो के प्रभारी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश द्वारा सितंबर माह के अंत में यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रथम चरण में प्रत्येक बूथ पर 5 सदस्यों को ऐप के माध्यम से जोड़ा जाना है। कार्यक्रम की लॉन्चिंग के साथ ही इसका प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया और अब यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो की समीक्षा के दौरान ही मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सभी सदस्यों को ऐप से जुड़ी तकनीकी बारीकियों से प्रशिक्षित किया और द्वितीय चरण में वोटर आइडेंटिफिकेशन के कार्य के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि कैसे 2018 में कांग्रेस की टीम ने मात्र इंदौर में ही 1.44 फर्जी मतदाता का डाटा पकड़ा था। एक बड़े पैमाने पर चल रहे इस फर्जीवाड़े के खिलाफ यह एक बड़ी अहम जिम्मेदारी युवा कांग्रेस के साथियों को सौंपी गई है, जो कि आगामी समय में प्रदेश में फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार को स्थापित करने में कारगर सिद्ध होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।